में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की ओर से कामगारों के लिए जो स्कीम, जो सुविधाएं या जो पैकेज अनाउंस किया गया है। कामगार यानी श्रमिक, वो श्रमिक चाहे वो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो या फिर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो, कुल मिलाकर जो तीन चार बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं पिछले दो दिनों में, अगर उनको समझे तो इशारा करते हैं कि टीडीएस में 25% की कटौती का ऐलान किया गया है। ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए के सपोर्ट का अनाउंसमेंट हुआ है। इसके अलावा ईपीएफ में अब 12 की जगह 10% कंट्रीब्यूशन की बात कही गई, और साथ ही जो प्रवासी हैं उनको 2 महीने के लिए, वो किसी भी राज्य में हो, 2 महीने मुफ्त खाद्यान्न यानी राशन की बात केंद्र सरकार की ओर से कही गई है। और साथ ही साथ शहरों में, उन शहरों में जहां पर फैक्ट्रियां हैं या लोग काम की तलाश में जाते हैं या काम करते हैं, वहां पर सस्ते जो किराए के मकान हैं उनको देने की बात है, वो एक मॉडल उसका अनाउंसमेंट हुआ है। तो समझेंगे कि ये जो कदम है ये व्यक्तिगत तौर पर श्रमिक वर्ग पर किस तरीके से लागू होते हैं, क्या उनको फायदा होने जा रहा है, और दूसरा कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर होगा, इकोनॉमी पर। हमारे साथ इसे समझाने के लिए 3 खास मेहमान हैं। वेद कुमार जैन साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शंकर अग्रवाल साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सर स्वागत है। दीपशिखा सरवार हमारे साथ हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं कश्मीर टाइम्स से, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शिवाज जैन साहब मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी मसला नंबर्स का आता है उसको समझना काफी मुश्किल होता है, और उम्मीद है कि आप दर्शकों को और हम सबको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। पहले अगर अनाउंसमेंट पर आता हूं टीडीएस को लेकर, मौजूदा हालात उसमें बदलाव की बात, 25% की कटौती, क्या है ये व्यक्ति के तौर पर, एक कामगार के तौर पर, और किस पर ये लागू होगा और कैसे? देखिए, ये जो पहली जो अनाउंसमेंट की गई है अभी जो वित्त मंत्री जी ने की है टीडीएस के बारे में, तो टीडीएस की जो अनाउंसमेंट है वो उन्होंने एक फंड फ्लो को और जो हर व्यक्ति को जो टैक्स करता है अदर देन सैलरीड क्लास, उसके लिए एक अच्छी बड़ी छूट दी गई है। अभी क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एक जरिया है पैसे को सरकार को टैक्स इकट्ठा करने का, जो आप जब भी पेमेंट करते हैं तो आपको काटनी पड़ती है। जब आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं तो 2% काटनी पड़ती है, प्रोफेशनल को पेमेंट करें तो 10% काटनी पड़ती है, रेंट की पेमेंट करें तो 10% काटनी पड़ती है। अब इन सब इशू को, इसको ये ध्यान में रखते हुए कि कोरोना क्राइसिस की वजह से आज की डेट में मार्केट में एक लिक्विडिटी क्राइसिस है, जिसको पेमेंट मिलनी है उसको, उसके हाथ में आज की डेट की पेमेंट की प्रॉब्लम है, उस इशू को एड्रेस करने के लिए वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि इन सब के रेट घटा के 75% कर दिए जाएंगे। जैसे अगर आपका 10% कटता था तो अब 7.5% कटेगा, और जो आपका 2% कटता था वो 1.5% कटेगा, जो 5 था वो 3.75% कटेगा। और इसका इतना बड़ा भारी इम्प्लीकेशन आप ये समझ सकते हैं कि टोटल जो इससे जो इफेक्ट आएगा वो 50,000 करोड़ रुपए का सरकार का इसमें लिक्विडिटी सरकार की रिलीज होगी। जो सरकार को इनकम टैक्स को मिलना था वो नहीं मिलेगा, उसके बदले में ये आज की डेट में पेमेंट और जो जिसकी कंट्रैक्टर है प्रोफेशनल उसके हाथ में जाएगी। अब इसके दो पहलू हैं, एक तो ये कहा जा सकता है कि नहीं साहब क्योंकि टीडीएस नहीं कट रहा, मुझे रेगुलर एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी परिस्थिति नहीं है। वर्ष 2020-21 हर बिजनेसमैन के लिए, हर वर्कर के लिए, हर एक के लिए एक तकलीफ का साल होगा, और इनकम भी उस लेवल की नहीं होगी जितने की पिछले सालों में रही है और जो आगे सालों में होगी। उस बात को भी ध्यान में रखते हुए, दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक अच्छी बड़ी राहत दी है और एक अच्छी इनोवेटिव सोच है जिसमें इन्होंने इसको 25% टीडीएस का रेट को कम किया है। तो अगर दीपशिखा मैं इस कदम को समझू इकोनॉमी के नजरिए से, व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँ कि ज्यादा मनी, ज्यादा पैसा लोगों के पास रहेगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सकती है, डिमांड बढ़ाने के लिए ये कदम है। बिल्कुल कविंद्र, जैसा कि मिस्टर जैन ने भी कहा, इसमें जो ये किया गया है, हालांकि दिखने में ये बहुत छोटा लगेगा कि 25% काट दिया गया है, लेकिन अगर आप देखें कि इससे भी जो आज की स्थिति है उसमें छोटे मझले व्यापारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, नॉन सैलरी जो हैं कंसल्टेंट्स के बतौर काम करते हैं,
उन सबकी जो स्थिति है, उन सबको लिक्विडिटी चाहिए, कैश चाहिए अपने हाथों में, तो उसमें ये एडिशनल कैश जो है तकरीबन 50,000 करोड़ का कैश जो है वो रिलीज कर रहा है सिस्टम में, जिसको लोग इस्तेमाल करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अपना काम को आगे बढ़ाने में, उनको भी पेमेंट्स आगे करनी है. दूसरा चीज है कि वो खर्च करेंगे चीजों को खरीदने में, तो इससे डिमांड को भी बूस्ट मिलेगा. और दूसरा चीज है कि पूरा सिस्टम जो है वो ल्यूब्रिकेटेड होगा. अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से पूरा सिस्टम में एक जैम हो गया है, तो धीरे धीरे, और लोगों के पास कैश नहीं था. अब इसमें यह है कि लोग अपना जब एग्जिट होगा, लॉकडाउन खुलेगा, अभी खुल रहा है धीमे धीमे, स्टैगर्ड तरीके से लोग काम पे वापस आ रहे हैं, ये सारे पेमेंट साइकिल चालू होंगे, उस समय ये मेजर जो है ये बहुत कारगर साबित होगा. ओके, अग्रवाल सर, क्योंकि अगर टीडीएस की बात करें, क्योंकि ये ऐसा तबका जो उसके दायरे में आता है, इनकी इनकम मैं कहूँ कि एक सर्टेन लेवल से ऊपर है, और इनकी संख्या भी अगर संगठित क्षेत्र में कहूँ काफी ज्यादा नजर आती है, किस तरीके से आपको लगता है कि ये जो दोहरा कदम है, दो इसके टारगेट है, पहला लक्ष्य है कि व्यक्तियों के पास है कि एक श्रमिक के पास, एक कामगार के पास, एक जो एम्प्लॉई है उसके पास में ज्यादा मनी छोड़ी जा रही है सरकार की ओर से, और दूसरा उसका इम्पैक्ट ये होगा कि बाजार में डिमांड जनरेट होगी. देखिए, जहां तक टीडीएस को 25% कम करने की बात है, डेफिनेटली इससे कुछ लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, लेकिन क्या लिक्विडिटी इतनी बढ़ेगी जिससे कि डिमांड में कोई सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हो सकता है, मुझे उसमें थोड़ा डाउट है. व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इज देयर इज अ बिग टिकेट आइटम जिससे कि ना लोगों को एक, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा क्वांटम जंप, एक क्वांटम जंप के रूप में अगर कोई चीज़ आती तो इससे डेफिनेटली जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो इम्प्रूव दिखती है और लोगों के सेंटिमेंट और सुधर. इसमें क्या है, आप देखो कीजिए, शुरू में तो आपका 25% कम हो, लेकिन साल के आखिर में जब आप पूरा टैक्स देंगे तो आपको पूरा टैक्स तो देना ही है, तो मान लीजिए शुरू में आपका पहले 10% कटता था, पहले अब 7.5% कटा है, साल के आखिर में वो 7.5% को एडजस्ट करते हुए बाकी सारा टैक्स देना ही पड़ेगा, तो एक साल के अंदर उस दौरान में जरूर लिक्विडिटी इम्प्रूव करेगी, देयर नो डाउट. तो टू दैट एक्सटेंट इज अ वेलकम स्टेप, बट इससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगा डिमांड में, आई गॉट माय पॉइंट. क्योंकि 50,000 भाई, सरकार ने टोटल 20,00,000 करोड़ रुपए का एक स्टिमुलस पैकेज बनाया, अब एक गो में तो एक शॉट में तो वो सारा पैकेज नहीं आ सकता, तो उसके लिए बहुत सारे कदम है. उसके अंदर एक ये पैकेज में लिक्विडिटी, दो तरह के पैसे पैकेज होते हैं, एक फिस्कल सपोर्ट होती है, एक लिक्विडिटी सपोर्ट होती है, तो इसको एक लिक्विडिटी सपोर्ट बना के उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए देने की कोशिश की है. दूसरी बात, मैं इसको एज ए टैक्स कंसल्टेंट दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ. टैक्स जो कटता है वो इनकम को देख के काटते हैं. हमने 10% का टैक्स रेट प्रोफेशनल पे क्यों रखा और कॉन्ट्रैक्टर पे 2% क्यों रखा, इसलिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर को आप 100 रुपए देते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसकी 10 रुपए की इनकम होगी तो उस पर 2 रुपए टैक्स बनेगा. प्रोफेशनल के केस में हम ये मानते हैं कि अगर उसको 100 रुपए देंगे तो उसकी 25 या 30 रुपए की इनकम होगी, इसलिए 10% टैक्स कटना चाहिए. तो सरकार ने जो 25% की रिडक्शन की है वो ये भी ध्यान में रख के की है कि वर्ष 2020-21 में ये संभव है कि इकोनॉमिक इश्यू को देखते हुए इस वर्क की इनकम ही कम हो ताकि टैक्स भी कम बनेगा. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोगों को कोई एडवांस टैक्स इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ये 50,000 करोड़ रुपए का एक ग्राउंड रियलिटी है जो सरकार ने रियलाइज की है, जिसकी वजह से ये छूट दी गई है, और ये दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है कि सरकार को नई लिक्विडिटी सपोर्ट भी कर दी, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम रहेगी, और हो सकता है एडवांस टैक्स भी आपको इसके बदले में जमा नहीं कराना पड़े. ओके, या दीपिका, कविंद्र, और इसमें एक चीज देखें कि जो लोग इससे इंपैक्ट हो रहे हैं, आपको कमर्शियल रेंट देना है, जो कमर्शियल रेंट पे प्रॉपर्टी देते हैं, या ब्रोकरेज फर्म्स हैं, कमीशंस हैं, डिविडेंड इनकम है, इस सब ये पूरा तबका जो है ये इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए ये जो 25% का कट है ये थोड़ा सा उनके लिए सिग्निफिकेंट है. हाँ, मतलब आप और ज्यादा होता तो बहुत ही बढ़िया होता, बट इतना भी काफी है. ओके,
दूसरा एक पहलू में आता हूं जो कि अनाउंसमेंट हुआ है वो है ईपीएफ को लेकर, और ईपीएफ का दायरा जिस तरीके से है अग्रवाल सर वो बहुत एक व्यापक दायरा है। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है क्योंकि आप लेबर मिनिस्ट्री में रहे हैं। ईपीएफ के कदम से बेसिक तौर पर एक कामगार एक श्रमिक के बजट या उसकी तनख्वाह को लेकर जो एक बर्डन था वो कितना सरकार कम करने में कामयाब हो पाएगी? आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गया। ईपीएफ का जो अनाउंसमेंट है सरकार की ओर से इसका ओवरऑल इंपैक्ट अगर एक कामगार एक श्रमिक के ऊपर देखते हैं या फिर एक एम्प्लॉयर के तौर के ऊपर कैसे नजर आता है? देखिए ईपीएफ जो है इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम एंड इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर, और ये बहुत सारे लोग खासकर जो गरीब तबके के वर्कर हैं वो इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहते। क्यों कुछ नहीं रहते हैं? क्योंकि उनका सब्सटेंशियल पोर्शन जो होता है इनकम का या सैलरी का या वेजेस का वो रिटेन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। इसलिए कई बार ये बात चलती रहती है गवर्नमेंट में और डिफरेंट फोरम में कि क्या हम बहुत गरीब जो वर्कर हैं उनको ईपीएफ से मुक्त कर दें या उनको चॉइस दे दें कि वो अपना ईपीएफ अपना प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कटाना चाहते हैं कि नहीं कटाना चाहते हैं। पर ये देखा गया कि गरीब लोगों के लिए अगर फोर्सिबली भी अगर हम सेविंग का कोई स्कीम या इंस्ट्रूमेंट बना दें तो लॉन्ग रन में ये फायदा करता है, और पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे इस तरह का कोई ना कोई स्कीम चलता है। अब क्या सोचा गया, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कि 12% एम्प्लॉयर देगा और 12% एम्प्लॉई देगा, इट्स अ बिग बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये सोचा था कि क्या गवर्नमेंट इसमें से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन को वहन कर सकती है। तो एक आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक ये बनाया गया कि जो भी न्यू एम्प्लॉयमेंट हो उस न्यू एम्प्लॉयमेंट का कुछ भाग जो कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर दे रहा था दैट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयर को एक इंसेंटिव होगा टू हायर मोर एंड मोर पीपल न्यू पीपल, एक तो ये होगा जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अब क्या किया गया कि इनकी एम्प्लॉयर को 12% देना पड़ता है, तो उसको कहा गया कि अगर वो 10% देगा तो 2% उसका बच जाएगा, तो उसके पास थोड़ी लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी। बट अगेन दिस इज फॉर 3 मंथ, तो 3 महीने के लिए कुछ लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है। और आइडिया ये था कि हम 2% इज क्वाइट सब्सटैंशियल, तो ये जो 2% है 12% में से 2% नॉट दैट ओवरऑल का 2%, तो इस 2% की अगर वो रिटेन करता है अर्निंग अपने पास तो उससे जो वेजेस हैं वर्कर्स की वेजेस हैं क्योंकि उसका काम नहीं चल पाया और अगले 1-2 महीने में और काम चलने में कठिनाई आएगी तो लिक्विडिटी बनी रहेगी जिससे वो वर्कर्स की वेजेस को दे सकता है। तो टू दैट एक्सटेंड इट्स अ वेलकम स्टेप, और इससे जो वर्कर्स हैं हमारे उनका भी जो वेजेस का पेमेंट है आसान होगा। ओके जैन साहब, ईपीएफ का जो सपोर्ट है 2% की छूट मैं के लिए जिसको सरकार के ऊपर भार, इसको अगर इकोनॉमिक और नंबर्स के लिहाज से मैं देखूं इम्पैक्ट का दायरा कितना बड़ा हो सकता है और इसका सीधा लक्ष्य जो है क्या वहां पर हिट कर रहा है उस श्रमिक वर्ग को कि अगर वहां पर कोई दिक्कत हो रही है उनको 2% का बेनिफिट एम्प्लॉयर को मिलेगा, नौकरियां बची रहेंगी या कुछ दिन तक उनको राहत मिलती रहेगी? देखिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि सरकार के पास जो आज की डेट में जो क्राइसिस है उसको एड्रेस करने के लिए 2 साधन होते हैं, एक तो फिस्कल सपोर्ट, एक होती है लिक्विडिटी सपोर्ट। तो सरकार ने दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है, और इसमें सरकार ने जब आपको ये दायरा बताया 12 से 10 किया तो इसमें उन्होंने फिस्कल सपोर्ट भी दे दी और आपको उन्होंने लिक्विडिटी सपोर्ट भी दे दी आपको। और इन द सेंस कि जब आपसे कहा कि भाई आप 12% की जगह 10% देंगे तो एम्प्लॉयर को 2% की सेविंग हो गई, तो उसका एक तरह से 2% की सपोर्ट आ गई। और एम्प्लॉय के हाथ में जब उसका जो किसी को अगर 10,000 की सैलरी मिलती थी उसका 1200 कटता था, 8,800 लेके जाता था, वो 9,000 लेकर जाएगा, तो उसको एक इसकी उसको एक लिक्विडिटी सपोर्ट हो गई। लेकिन साथ के साथ क्योंकि जैसे दीक्षा ने कहा ये जो बेनिफिट है ये 3 महीने के लिए वर्कआउट किया गया है क्राइसिस को टाइड ओवर करने के लिए, तो सरकार की इच्छा ये है कि भाई लिक्विडिटी इज ए मेजर इशू आज की डेट में, इसको कैसे एड्रेस किया जाए। लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस 3 महीने का वर्कर को लॉन्ग टर्म में टू दैट एक्सटेंट बेनिफिट नहीं आएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1200 की जगह 1,000 हो गया, 200 रुपये महीने का कम हो गया,
तीन महीने के लिए वो उसके अकाउंट में उतना ही कम हो जाएगा वर्कर के अकाउंट में, तो टू दैट एक्सटेंट। तो कहीं ना कहीं छोटा सा नुकसान वर्कर का भी नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें फिस्कल सपोर्ट और लिक्विडिटी सपोर्ट दोनों हैं, तो सरकार ने एक अच्छा सा इनोवेटिव आइडिया निकाला है। देखिए, जो आज की डेट में ये मान के चलना पड़ेगा कि देखिए, भारतवर्ष एक देश डेवलपिंग नेशन है, और इसका कंपैरिजन डेवलप्ड नेशन से नहीं किया जा सकता, जो रिच नेशन है जिनके पास में पैसे हैं इकट्ठे किए हुए जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सरकार को आज की अपनी परिस्थिति को देखते हुए, अपने बैलेंस को देखते हुए, कोई ना कोई इनोवेटिव प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है, और ये एक कदम जो मैंने समझा है, ये एक इनोवेटिव प्लानिंग बनाई गई कि जहाँ पे ये किया गया। और शायद आपको ध्यान हो, उसमें दूसरी भी पार्ट है जो स्कीम का, जिसमें सरकार ने कहा कि जिस एस्टेब्लिशमेंट में 90% से ज्यादा एम्प्लाइज 15,000 रुपए से कम की सैलरी देते हैं, उसका एंटायर कंट्रीब्यूशन सरकार बियर करेगी, यानी कि वो दोनों एम्प्लायर एम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन सरकार बियर कर रही है। सरकार ने इसमें भी 12 से जब 10 की बात की है, तो सरकार ने कहा भाई ये प्राइवेट सेक्टर को ही छूट दी है, सरकारी कर्मचारी के केस में ऐसा नहीं होगा, ना ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के केस में, उसमें सरकार वो दोनों का 12 का 12 ही रहेगा। तो ये एक तरह से इंडस्ट्री को भी इंसेंटिव देने की कोशिश है 2% की, और वर्कर के हाथ में भी लिक्विडिटी देने की कोशिश की है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सरकार का अच्छा है, और सरकार ने दूरगामी सोच के कि भाई ये 3 महीने के लिए किस तरह से इस क्राइसिस को टाइड ओवर किया जाए, उसी की ये प्लानिंग की है। कदम अच्छा, जी मैं आ रहा हूँ सर, लेकिन क्या इसे, जैसे कि जैन साहब भी कह रहे हैं कि 2 महीने की बजाय, जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर इसको कम से कम 2 से 3 क्वार्टर या इस फाइनेंशियल ईयर तक लागू किया जाता, तो शायद ज्यादा बेनिफिट होता एम्प्लॉय का, उस तबके का, या फिर जो 2 महीने की बात है, इसको हो सकता है कि आगे कंटिन्यू करने की बात दिया है हालात के ऊपर, हो सकता है इसे बढ़ा दिया जाए कभी। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें जो एम्प्लॉई है उसको भी एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 10% मिलेगा, तो हालांकि उसका भी कंट्रीब्यूशन है, उसका टेक होम सैलरी बढ़ रहा है, उसके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन एम्प्लॉयर को राहत दी गई है तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं आ रहा है। तो इसे ज्यादा समय तक अभी, हालांकि चूंकि कंपनीज जो हैं, जो एम्प्लॉयर है वो भी खासी दिक्कत में है, तो उनको भी इस कदम के जरिए राहत दी गई है। लेकिन अब ये कितने पीरियड तक, अगर इसको ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो उसमें एम्प्लॉई का भी नुकसान है, और ये हमें ध्यान में रखना होगा अगर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो। कवि जी, इसमें अंडरलाइंग बात ये थी कि जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 12% से 10% किया गया, तो नेचुरली जो उसका जो फंड है ईपीएफ वो कम हो जाएगा, वो चाहिए गया था, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि दिस 2% विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो क्या होगा कि एम्प्लॉयर जो है वो 10% देगा, 2% जो बचा वो गवर्नमेंट से आ जाएगा, और इस तरह से एम्प्लॉय, जैसा कि मैडम कह रही हैं, इम्प्लॉय का कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए ये सोचा गया था कि इसको कुल 3 महीने के लिए ही कन्फाइन किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्स तो है नहीं, तो ये सोचा गया कि 3 महीने के लिए मान लिया करा देता, तो दैट विल बी एन एडिशनैलिटी टू इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर, विच कैन बी यूज फॉर गिविंग वेजेस टू द वर्कर। ओके, अब एक और जो हमने देखा माइग्रेशन की समस्या अग्रवाल साहब, और जिस तरीके से जो लेबर वर्ग है, जो कामगार तबका था, उनको शायद ध्यान में रखते हुए जो एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर और बिल्डर्स को भी कहा गया है कि शहरों में जो लो रेंट हाउसिंग है उन कामगार लोगों के लिए, उसको प्रोवाइड कराने की बात कही गई है। ये जो मैं कहूँ कि एक विकल्प देने की कोशिश है, ये वाकई जमीन पर कितना आसान या मुश्किल है, और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो क्या है? कहन जी, आपको शायद याद होगा, अभी आप ही के फोरम पे मैंने ही ये कहा था कि वर्कर्स हॉस्टल जैसे चाइना में बनाए गए हैं, उसी तरह की स्कीम हमें यहाँ बनानी जरूरी है, और वो अब अनाउंस करते इट्स एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट इनिशिएटिव। क्योंकि आप देखिए ना, जो भी माइग्रेंट वर्कर बेचारे छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, और उनको रहने की कोई सुविधा नहीं है बड़े मेट्रो में, बड़े शहरों में, तो कहाँ रहते हैं? किसी खोली में रहते हैं, किसी बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक एनिमल। ना तो वहाँ पे कोई मेडिकल की सुविधा है, ना कोई एंटरटेनमेंट की सुविधा, ना खाना खाने की सुविधा है,
आइडिया ये होना चाहिए कि गुड क्वालिटी, जैसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स होते हैं, इसी तरह से हम अच्छी क्वालिटी के हॉस्टल्स बनाएं, एंड दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड मे बी सम कॉन्ट्रीब्यूशन कैन कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, बट इट इज प्राइमरली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट में चार्ज सम मनी, यानी कि उनको फ्री में दे, इसीलिए रेंटल हाउसिंग की बात की है, उनसे रेंट लिया जाएगा, लेकिन उनको मेंटेन किया जाएगा, वहीं पर कोई इंतजाम किया जाता है कि एक डॉक्टर हर रोज आके दो घंटे के लिए, डेढ़ घंटे के लिए, तीन घंटे के लिए बैठ जाए, तो उनका अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो भी देखा जा सकता है, एक मेस खोल दी जाए, कॉन्ट्रीब्यूटी का इंतजाम, गवर्नमेंट को उसमें कोई सब्सिडी नहीं देनी है, लेकिन उनको अच्छी क्वालिटी का बैठ के अच्छा खाना उपलब्ध हो जाए। तो इट्स अ वंडरफुल स्कीम, इट्स अ डूएबल स्कीम, इज बींग डन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड जितने भी इंडस्ट्रियल या इस तरह के वर्कर्स हैं वो इसी तरह के हॉस्टल में रहते हैं, और अगर वो हॉस्टल में रहते हैं या जो जिनकी हम लोग बात करते हैं रेंटल हाउसिंग, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। शिका, क्योंकि बिल्कुल, और हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक शो किया था, इसमें अग्रवाल साहब का ही सजेशन था कि दुनिया के कुछ देशों ने इसे अपनाया है कि हम श्रमिक वर्गों के लिए हॉस्टल की सुविधा शुरू करें, उनको अगर हो सके तो मेस भी दे पाए, और ये जो कदम सरकार ने अनाउंस किया है कि शहरों में जहाँ पर खासतौर पर जहाँ पर फैक्ट्रियां उद्योग हैं वहां पर इस तरह का एक विकल्प को देखा है और शुरू करने की बात हो रही है, ये बहुत ज्यादा कारगर है, लेकिन इसके चैलेंजेस किस तरीके से नजर आते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पर इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। कविंद्र, अभी ये एक घोषणा भर है, और मैं ये देखना चाहूंगी कि इसका ढांचा जो है वो किस तरह से बनकर आएगा, क्या स्वरूप ये योजना लेगी, क्योंकि अगर आप देखें दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहर जहां पे, खासतौर पे मुंबई जैसा शहर जहां पे ये माइग्रेंट लेबर जो श्रमिक हैं उनकी बहुत रहने की समस्या है, और वहां पर वो ज्यादातर स्लम्स में रह रहे हैं, और इसीलिए वो जा रहे हैं वापस अपने घरों की तरफ, तो इन इन शहरों में लैंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा है अगर आप देखें, तो वहां सरकार इस योजना का, इसका प्रारूप कैसे होगा, कैसे ये खड़े किए जाएंगे हॉस्टल, कहाँ पे खड़े किए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इतना डेंस डेवलपमेंट है, और जहां पे फैक्ट्री एरियाज है वहां पे फैक्ट्रियां खैर बाहर जा रही हैं, अगर शहर से बाहर जा रही हैं वहां पे तो नया, जहां पे डेवलपमेंट होता है, नई फैक्ट्री बनती है, वहां पे वो वर्कर्स के लिए हॉस्टल बना सकते हैं, लेकिन जहां पे ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी इतना कंजस्टेड है, वहां कैसे बन के खड़ा होगा, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। दूसरा है कि ये क्या ढांचा लेगा, राज्य सरकार इसमें क्या हिस्सेदारी करेगी, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, और सरकार क्या करेगी, इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, कौन मैनेज करेगा ये रेंटल अकोमोडेशन, सरकार तो किराया लेने के बिजनेस में नहीं आ सकती है, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार, तो ये अभी इसका ढांचा जब तक साफ नहीं होता है तब तक कुछ भी कह पाना इसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग होगा, खासतौर पर उन शहरों में जहाँ पे की पॉपुलेशन डेंसिटी है, और दूसरी चीज है कि स्पेस बहुत ज्यादा नहीं बची है वहां पर। जी जी, और अग्रवाल सर एक चीज, जी जैन सर, जिस तरीके से ये जो दो चीजें जो सामने आ रही है, जो कि हम बहुत पहले भी इसकी चर्चा हमने की अग्रवाल सर और कई पैनलिस्ट के साथ में, एक कामगारों के लिए यानी कि श्रमिक वर्ग के लिए हॉस्टल, और दूसरा उनको मेस की सुविधा अगर दे पाए, इस तरह का अनाउंसमेंट है, लेकिन चैलेंजेस फाइनेंशियल तौर पर किस तरीके से आप देखते हैं, और जो कि दीपशिका कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंड की कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई है कि वहां पर अफोर्डेबल रेंट हाउस कामगारों के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है। देखिए कविंद्रन जी, मैं दो बातें बता दूं, हर चैलेंज में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है, और ये कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है, और मुझे ऐसा लगता है ये एक चैलेंज था जिसमें एक सरकार को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई है, और जो माइग्रेंट लेबर की हमने अभी मूवमेंट देखी है और जो उनकी परिस्थिति देखी है उसका एक रियलाइजेशन आया है कि माइग्रेंट लेबर की परिस्थिति क्या है आज की डेट में, और मुझे लगता है ये जो कदम अनाउंस किया है जो मैं फाइनेंस मिनिस्टर ने किया वो इस बात को ध्यान में रखते किया कि देखिए माइग्रेंट लेबर का आज की डेट में रहने का साधन नहीं है। जो दीपशिका जी ने कहा, अग्रवाल साहब ने कहा चैलेंज है कि मेट्रो सिटी में जगह नहीं है, लैंड बहुत कॉस्टली है, दीपशिका जी ने कहा कि आज की डेट में इसकी क्या मॉडल निकल के आएगा, मैंने जब जो वित्त मंत्री जी को समझा जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने बहुत क्लियरिटी कही कि ये पीपीपी मॉडल में होगा, पीपीपी मॉडल में क्या होगा कि ये जरूरी नहीं है कि वही कॉरपोरेट इस अकोमोडेशन को बनाए जिसके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
स्टेट गवर्नमेंट के पास, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं जो आइडल पड़ी हैं, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। हम उनको उत्साह करेंगे कि वो इसमें इस तरह के अकोमोडेशन बनाए, अफोर्डेबल अकोमोडेशन बनाए, सरकार उसको कंसेशनर के तरह से यूज करेगी और उसको वो करेगी। तो दो बातें माननी चाहिए, एक तो ये रियलाइजेशन बाय द सोसाइटी या बाय द गवर्नमेंट कि यस माइग्रेंट लेबर को रहने की एक अच्छी स्थिति मिलनी चाहिए, वो अपने आप में एक बड़ा कदम हो गया। और जिसकी लैंड आइडल पड़ी है उसको मौका दिया कि आप अपनी इस लैंड को डेवलप कर लीजिए, कैसे फाइनेंस कराएंगे, कैसे कराएंगे, सरकार उसका साधन बनाएगी रेंट आउट कराने का, और माइग्रेंट जो लेबर वहां रहती है उसको कंसेशन रेट पे दिया जा सकता है, वर्कआउट किया जा सकता है और उसकी स्कीम बनेगी। उन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग इसके बारे में स्कीम अनाउंस जल्दी से करेगी इसके बारे में। तो मेरा कहना है कि एक बहुत अच्छी बिगनिंग की है और आज की डेट में अगर माइग्रेंट लेबर को, जैसे अग्रवाल साहब कह रहे थे, एक रहने की अच्छी सुविधा मिल जाए, वहाँ अच्छी मेस मिल जाए, लाइफ अच्छी हो जाए और कुछ उसकी लाइफ तो सुधरेगी, साथ में इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी भी सुधर जाएगी। ये देखिए, अगर उसके घर में कंफर्ट है, उसका रहने का साधन है, जो आज की डेट में हम देख रहे हैं जैसे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, अगर उसके पास घर है तो चिंता नहीं होगी। तो अगर सरकार कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करेगी और पीपीपी मॉडल जिसमें मॉडल है जिसमें तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, आई बिलीव वो एक अपने आप में बहुत अच्छा मॉडल होगा। और प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है आवास योजना के बारे में, उससे भी ये लिंक होता है कि सभी के लिए घर बन जाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फिट इन होता है। करीम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं उसके साथ? कोई और ऐसा लगता है आपको कदम इस वक्त अगर कामगार श्रमिक या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए उठाना जरूरी है, जो रह गया हो? पहली बात जो अभी बात हो रही थी लैंड के बारे में, मैं खुद सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और स्टेट गवर्नमेंट में भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग में। Huge chunks of land are available with the government, state government and central government. So land is not a problem. Land की problem इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर छोटे मोटे encroachment है और बहुत सारे हो सकता है कुछ powerful, so called powerful people, उन लोगों ने encroachment करता। Today we have got a right opportunity क्या उनको बड़े आसानी से encroachment हटाए जा सकते हैं और जो low level even housing भी, low level को utilization भी है उसको हटा के हम बहुत अच्छी quality का and बहुत ही simple and efficient हम हाउसिंग क्रिएट करते हैं। लैंड विल रिमेन विद द गवर्नमेंट, द कंस्ट्रक्शन विल बी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट, ओनली द मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशन हैज टू बी विद द प्राइवेट सेक्टर। दे विल इंश्योर कि जो आदमी आ रहा है वो पेमेंट कर रहा है, जो उसकी मेंटेनेंस हो रही है, वाइट वॉश हो रहा है, वॉशरूम्स वगैरह साफ धुल रहे हैं, मेस के अरेंजमेंट है, दैट कैन बी टेकन अप बाय द प्राइवेट सेक्टर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। एंड एज मिस्टर जैन वाज सेइंग कि ये जो मॉडल है ये नहीं है कि केवल ये जो इंडस्ट्री है उसी के लिए, नो, इट्स लाइक अ वर्किंग वीमेन हॉस्टल। तो कोई मेरी कहीं काम करती है, एक्स जगह काम करती है, कोई वाई जगह काम करती है, जेड जगह काम करती है, सब लोग एक हॉस्टल में रहते हैं। सिमिलरली दीज वर्कर दे कैन वर्क, कोई वर्कर एक्स जगह काम कर रहा है, कोई वाई जगह काम कर रहा है, कोई जेड जगह काम कर रहा है, लेकिन वो सारे के सारे एक जगह पे डिफरेंट जगहों में डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी में एक जगह कई तरह हॉस्टल बना सकते हैं। एक और आपने कहा कि और इसके अलावा क्या, देखिए क्योंकि बच्चे तो जनरली श्रमिकों के साथ रह नहीं रहे, वो गांव में हैं या छोटे शहरों में जहाँ से आए हैं वहाँ रह रहे हैं, लेकिन हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इसीलिए हमको कॉस्ट सफिशेंट गुड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज देनी है। क्योंकि एक बार अगर आदमी बीमार अगर हो जाता है, हॉस्पिटल चला जाता है या क्लिनिक जाता है तो उसका सारा आबंदी का जरिया उसी में खत्म हो जाता है। वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ बिग वे और टेली मेडिसिन को यूज़ करके, जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल की बात करें, उसी हॉस्टल में अगर एक डॉक्टर आ रहा है और साथ में टेली मेडिसिन की सुविधा है तो हम बहुत कम खर्चे पे सबको बहुत अच्छी क्वालिटी का हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड। ओके, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और ये रोशनी डालने के लिए।